सो हेलो व्यूअर्स, एग्जाम स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की जो वीडियो है वो एकदम खास होने वाली है, क्योंकि इसमें हमने 2021 और 2022 के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न हैं उनको शामिल किया गया है। और ये सारे करंट अफेयर आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से देखें तो बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ चैनल को जो वीडियो है उसे जरूर शेयर करें ताकि इसका फायदा दूसरे लोगों को भी हो सके। देखिए, करंट अफेयर जो होता है एक ऐसा विषय है जो हम अक्सर जो भी परीक्षाएं में अपेयरिंग होते हैं तो सभी परीक्षाओं में पूछ ही जाते हैं। और इसमें हमने 2021 और 2022 के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उनको लिया है। आप एक बार वीडियो को जरूर देखें जिससे कि आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितनी अच्छी क्वेश्चनों को हमने यहाँ पर शामिल किया है। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं। अपना ये वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए। और तो पहला क्वेश्चन आपकी डिस्प्ले पर है। देखिए, पहला प्रश्न है कि इस औषधीय पादप को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने शामिल किया है। तो ये पौधा है गुग्गल का पौधा है। ठीक है, गुग्गल का पौधा है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी कि IUCN ने किस लकड़ी को संकटापन श्रेणी सूची में सूचीबद्ध किया है, यानी कि एंडेजर्ड लिस्ट में इसको शामिल किया है। तो ये है रक्त चंदन है, इसे रेड सैंडर्स भी कहते हैं। तो सही आंसर होगा रक्त चंदन, रेड सैंडर्स। अगला प्रश्न है, पश्चिम रेलवे के मुंबई मंडल ने सोवी टेक्सटाइल एक्सप्रेस का परिचालन किया है। तो ये परिचालन कहां से कहां तक किया है इस प्रश्न में पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा सूरत के चलथान से पश्चिम बंगाल के संक्राइल तक इसका संचालन किया गया है। अगला प्रश्न देखें, जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा कहां शुरू की गई है। तो ये सेवा शुरू की गई है तमिलनाडु के चेन्नई में। ठीक है, तमिलनाडु के चेन्नई में। अगला प्रश्न है, भारत एवं किस देश ने पर्यावरण संबंधी चिंता को लेकर सतत खाद्य उत्पादन विषय पर एक सम्मेलन का आयोजन किया है। तो ये किया है भारत ने ब्रिटेन के साथ में। सही आंसर होगा ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु के किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क का निर्माण किया जा रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क का निर्माण जो किया जा रहा है वो तमिलनाडु के थूथुकुडी में किया जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक सत्र 2023 की मेजबानी कौन करेगा। यहाँ पर मेजबानी करने के लिए कौन करेगा, तो ये करेगा जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई के द्वारा किया जाएगा। अगला प्रश्न है, किस उच्च न्यायालय में भारत के पहले डिजिटल न्याय घड़ी का उद्घाटन किया गया है। तो डिजिटल न्याय घड़ी का उद्घाटन किया गया है ये गुजरात हाईकोर्ट के द्वारा किया गया है। सही आंसर होगा गुजरात हाईकोर्ट। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने अपना साइंटिफिक बर्ड एटलस लॉन्च किया है जो कि एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा एटलस है। और ये होगा, ये जो लॉन्च किया है वो केरल राज्य के द्वारा किया गया है। सही आंसर होगा केरल। देखिए, वीडियो को पूरा देखें तभी आपको समझ में आएगा कि कितने अच्छे हमने प्रश्नों को यहाँ पर समावेश किया है। तो वीडियो को कंटिन्यू पूरा देखें ताकि आपको ये पता लग सके कि हमने कितने अच्छे प्रश्नों को यहाँ पर समावेश किया है। और सभी प्रश्न हर एक परीक्षा की दृष्टि से देखें तो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, अगला प्रश्न है, भारत का पहला भारत कोरिया मैत्री पार्क स्थापित होगा। तो भारत कोरिया मैत्री पार्क जो स्थापित किया जाएगा ये न्यू दिल्ली में किया जाएगा, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के इंदौर में PPP यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर बने एशिया के सबसे बड़े बायो CNG प्लांट का उद्घाटन किया है। तो किसने किया है ये, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है 19 फरवरी 2022 को। अगला प्रश्न है, किस सरकार ने नई जैव प्रौद्योगिकी नीति की घोषणा की है। तो इसकी जो घोषणा की है वो गुजरात राज्य के द्वारा की गई है। सही आंसर होगा गुजरात। अगला प्रश्न है, दालचीनी के संगठित कृषि शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य है। तो पहला भारतीय राज्य कौन होगा जिसने दालचीनी के संगठित कृषि शुरू करने की घोषणा की है। और दालचीनी जैसे कि हम अपने स्पाइसेस यानी कि मसालों में यूज करते हैं, और तो इसका प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ये होगा
हिमाचल प्रदेश के द्वारा किया गया है सर। अगला प्रश्न है, किस राज्य के चुनाव आयोग ने स्मार्टफोन के माध्यम से मतदान के लिए भारत का पहला ड्राई रन आयोजित किया है? तो ऐसा करने वाला जो राज्य है वो होगा तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, हाल ही में रेल मंत्रालय ने रेलवे गार्ड का नाम बदलकर कर दिया है, तो जो रेलवे गार्ड होता है उसका नाम बदल करके इसमें कर दिया, क्या किया गया है? तो ये अब वो जो रेलवे गार्ड है उसको अब ट्रेन मैनेजर के नाम से बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? ट्रेन मैनेजर, याद रखेंगे ट्रेन मैनेजर। अगला प्रश्न है, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र स्थापित किया जाएगा, तो भारत का जो पहला विश्व शांति केंद्र है ये कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो ये हरियाणा में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने केंद्र सरकार के मिशन इंद्रधनुष योजना के क्रियान्वयन के मामले में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? वो ये प्राप्त किया है ओडिशा ने। अगला प्रश्न है, एशियन डेवलपमेंट के सहयोग से कौशल विकास विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी? एशियन डेवलपमेंट के सहयोग से कौशल विकास विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये की जाएगी असम के मंगलदोई जिले में। ठीक है, असम के मंगलदोई जिले में। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले ओपन एयर रूफ टॉप ड्राइव इन मूवी थिएटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ये मुंबई होगा, महाराष्ट्र में। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य में एक प्लास्टिक पार्क बनाने की मंजूरी प्रदान की है? तो प्लास्टिक पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये कर्नाटक में बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार भारत में अब प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी होगी? तो ये होगी 1020। अगला प्रश्न, भारत में अपने ओपन एयर रूफटॉप ड्राइव इन मूवी थिएटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये प्रश्न रिपीट है, तो ये मुंबई महाराष्ट्र में होगी। ये क्वेश्चन केंद्र सरकार ने प्लास्टिक पार्क, ये क्वेश्चन भी थोड़ा रिपीट है, माफी चाहेंगे, तो ये कर्नाटक होगा और नेक्स्ट प्रश्न है इसका 1020 इसका आंसर होगा। चलिए आगे देखिए, तो भारत और बांग्लादेश ने किस तिथि को मैत्री दिवस मनाने का फैसला किया है? तो मैत्री दिवस जो मनाया जाएगा ये कौन सी तिथि को मनाया जाएगा? तो ये 6 दिसंबर को मनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, हरियाणा सरकार ने कहां अटल पार्क और स्मृति केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो हरियाणा सरकार ने की है, तो कहां की है? ये गुरुग्राम में की है। भारत में पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन वाला राज्य कौन सा है? तो ये है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट देश का 4 रनवे वाला पहला एयरपोर्ट कौन सा है? देखिए इसमें ये क्वेश्चन, इसमें जो आंसर होगा वो यही है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर पूछा गया कि वह कौन सा एयरपोर्ट है, देश का कौन सा एयरपोर्ट है जहाँ 4 रनवे वाला पहला एयरपोर्ट बना है भारत का? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो समझ सकते हैं आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, मिथिला मखाना को GI टैग प्रदान किया गया है, इसका संबंध किस राज्य से है? तो मिथिला मखाना कहाँ का है? तो ये बिहार से रिलेटेड है, बिहार से है। अगला प्रश्न है, एक वर्ष के लिए सहयोग संघाई सहयोग संगठन के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना RATS SCO की अध्यक्षता किस देश को सौंपी गई है? तो सौंपी गई है भारत को। अगला प्रश्न है, दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2021 के 40वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता? तो ये जीता है बिहार राज्य ने। अगला प्रश्न, भारतीय रेलवे मंत्रालय ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से ट्रेनों के संचालन को मंजूरी प्रदान की है? तो ये मंजूरी प्रदान की है भारत गौरव ट्रेन के नाम से चलाई जाएगी ट्रेन। अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रानी गौंडिल्य की स्मृति में एक जनजातीय म्यूजियम की आधारशिला रखी है, तो ये आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? सही आंसर होगा मणिपुर में। अगला क्वेश्चन है, 12 वर्ष से ऊपर के बच्चों के लिए अनुमोदन पाने वाला प्रथम COVID-19 टीका है, तो ये है ZyCoV-D। नेक्स्ट, केंद्रीय जांच ब्यूरो ने CBI एवं प्रवर्तन निदेशालय ED के निदेशकों का कार्यकाल अब कितने वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा? तो इनका जो कार्यकाल है अब वो 5 वर्ष तक बढ़ाया जाएगा और इसको 3 बार में बढ़ाया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय कला अनुसंधान केंद्र की स्थापना किस देश में की गई है?
तो भारतीय कला अनुसंधान केंद्र की स्थापना स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में स्थित रिटबर्ग संग्रहालय में की गई है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक का नाम बदलकर क्या कर दिया है? इसका प्रश्न का सही जवाब आप जानते होंगे, तो होगा मेटा। ठीक है, मेटा। हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यूएनएचआरसी में वर्ष 2022 से 24 के कार्यकाल के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है? तो ये इसका सही आंसर होगा, भारत को किया गया है। भारत और अमेरिका के मध्य औद्योगिक सुरक्षा समझौता ISA शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया था नई दिल्ली में। ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए सरकारी नौकरियों में 1% आरक्षण प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये कर्नाटक बना है, सही आंसर होगा कर्नाटक। मेडिकल और इंजीनियरिंग में 33% क्षैतिज आरक्षण लड़कियों के लिए देने वाला पहला राज्य है? तो ये राज्य है बिहार। हाल ही में केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय ने शहरी स्वयं सहायता समूह के बाजार उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से एक लोगो और एक ब्रांड लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है सिन चिरेया के नाम से। ठीक है, सिन चिरेया के नाम से, सॉरी सिन नहीं सोन होगा, सोन चिरेया के नाम से। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो हाल ही में कौन सा गांव भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना है? भारत का कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन बना है? तो ये पल्ली गांव है जम्मू कश्मीर का। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे वर्ष 2021 का सरस्वती सम्मान दिया गया है? तो 2021 का सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है? तो राम दर्श मिश्र को दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विक्टर ओरबान किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं? तो विक्टर ओरबान किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये हंगरी के बने हैं। ठीक है, हंगरी। अगला क्वेश्चन, 12 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां से आजादी का अमृत महोत्सव इंडिया 875 का उद्घाटन किया है? तो ये गुजरात के अहमदाबाद से इसका उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, जो कि 2023 तक मनाया जाएगा आजादी का अमृत महोत्सव। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सतत विकास लक्ष्यों में नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेट्स प्राप्त करने वाला भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है? तो ये है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु का। हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने यात्रियों को उच्च गुणवत्ता वाला पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने हेतु किस रेलवे स्टेशन को 5-स्टार ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र दिया है? तो ये दिया है चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को। नेक्स्ट, विश्व कपास व्यापार में भारत के प्रीमियम कपास को अब किस नाम से जाना जाएगा? तो इसका जो नाम है वो जाना जाएगा इसे कस्तूरी कपास के नाम से। हाल ही में डेनिस पार्नेल सुलिवन को वर्ष 2022 का एबल प्राइज मिला, जो किस क्षेत्र से में दिया गया है? तो इनको जो कौन से क्षेत्र में दिया गया, तो गणित में दिया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा रेलवे जोन भारत का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन बन गया है? तो ये बना है पश्चिम मध्य रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे। देखिए फटाफट सीरीज है और ये एक रिवीजन सीरीज है, अगर इसमें हम थोड़ा तेजी से चलें तो आप अपने वीडियो की सेटिंग में जाकर के इसको थोड़ा स्लो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखें। देखिए, भारत का पहला कृषि आधारित सोलर पावर प्लांट कहां स्थापित किया जाएगा? तो कृषि आधारित सोलर प्लांट है भारत का, ये कहां पर स्थापित किया जाएगा? सही आंसर होगा जयपुर में किया जाएगा, राजस्थान की राजधानी। भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र कहां स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा ओडिशा के भुवनेश्वर में। अगला प्रश्न है, इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2020-2021 को मंजूरी प्रदान कर इथेनॉल नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है? तो ये राज्य है बिहार। बिहार इस नीति को मंजूरी प्रदान लागू करने वाला पहला राज्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ है वो 136 रैंक मिली है। और आपको बता दें कि जितनी भी सूचकांक अब तक जारी हुए हैं अप्रैल तक, उन सभी सूचकांक के लिए रैंकिंग के और इंडेक्स के लिए
हमने एक वीडियो को सेपरेट बनाया है, तो आप जाकर के उसे देख सकते हैं। हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और वहां जाकर के आप हमारी इंडेक्स रैंकिंग वाली वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें आपको सभी रैंकिंग की जानकारी मिल जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। कौन खिलाड़ी पद्म भूषण सम्मान पाने वाले पहले पैरा एथलीट बने हैं? तो पैरा एथलीट ये कौन बने हैं? ये बने हैं देवेंद्र झाझरिया। अगला प्रश्न है, जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने आदिवासी प्रवासी श्रमिकों से संबंधित डाटा इकट्ठा करने हेतु किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो ये क्या है? श्री शक्ति पोर्टल का, श्री शक्ति पोर्टल। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2021 का ताज जीता है? तो ये जीता है कैरोलिना विलावश्का ने, जो पोलैंड की रहने वाली है। किस राज्य की सरकार ने ऊंट संरक्षण एवं विकास नीति का विकास नीति लागू करने की घोषणा की है? तो आप जानते होंगे इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, तो ये होगा राजस्थान। कौन भारत की भुगतान प्रणाली UPI को अपनाने वाला पहला देश बन गया है? तो ये बना है नेपाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, किस शहर में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनेगा? यानी किस जगह पर घोषणा की गई कि यहाँ पर बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन बनेगा? तो ये बनेगा सूरत में, ठीक है, सूरत। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 के अनुसार कौन भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर बना है? तो ये शहर बना है मुंबई। अगला क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक कौन एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं? तो ये बने हैं गौतम अडानी। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 की भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये मिला है 85, इनकी 85वां स्थान मिला है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में किस तारीख को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? और ये घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई है, और ये की जाएगी 26 दिसंबर को। अकेले दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बनी है, तो कौन है महिला? ये है हरप्रीत चंडी, ठीक है, हरप्रीत चंडी। अगला प्रश्न, वर्ष 2021 की भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 85वां स्थान मिला है। ये मिस हुआ है कोई क्वेश्चन? चलिए मैं यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे ये प्रश्न था कि हिंदी के लिए साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है वो किसे मिला है। देखिए, हिंदी के लिए दया प्रकाश सिन्हा को उनके नाटक सम्राट अशोक के लिए मिला है, और अंग्रेजी के लिए बात करें तो नमिता गोखले को मिला है, और उनका उपन्यास है थिंग्स टू लिव बिहाइंड के लिए, ठीक है। तो आप प्रश्न पर नहीं जाइए, जो रेड में लिखा हुआ आंसर है आप इसकी तरफ जाइए, इसे आप देख सकते हैं। चलिए, किसे अंग्रेजी भाषा के लिए वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? ये प्रश्न ऊपर लिखे हुए हैं, तो इसी प्रश्न का आंसर है ये कि अंग्रेजी भाषा के लिए नमिता गोखले को मिला है थिंग्स टू लिव बिहाइंड के लिए, और हिंदी के लिए दया प्रकाश सिन्हा को मिला है, उनके एक नाटक है सम्राट अशोक के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखें, तो किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में अंडर 19 एशिया कप 2021 का खिताब जीता है? तो ये भारत ने जीता है, और इसने श्रीलंका को हरा करके भारत ने ये खिताब जीता है। अगला प्रश्न, वर्ष 2021 के सुशासन सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये स्थान प्राप्त हुआ है गुजरात को, सुशासन सूचकांक में गुजरात पहले नंबर पर है। नीति आयोग के वर्ष 2021 के स्वास्थ्य सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? तो ये मिला है केरल को। अगला प्रश्न है, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब जीता है? तो ये जीता है हिमाचल प्रदेश ने। विजय हजारे ट्रॉफी 2021 क्रिकेट से संबंधित है, और हिमाचल प्रदेश ने ये खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, गैब्रियल बोरिक किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं चिली के, ठीक है, चिली। हाल ही में सेमिन्यू न्यूलैंड और चुमुकेदिमा किस राज्य के तीन नए जिले बने हैं? तो ये तीनों जिले बने हैं नागालैंड के। अगला प्रश्न है, किसने वर्ष 2021 का BBC स्पोर्ट पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का सम्मान जीता है? तो जीतने वाले हैं एमा रादुकान। तो यही प्रश्न थे,
बाकी प्रश्न हम अगले वीडियो में कवर करेंगे और इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के श्रृंखला को लेकर के हम आ रहे हैं, तो कोई भी वीडियो मिस ना करें, कोई भी वीडियो मिस ना करें। अगर आप और चैनल पर नए हैं, पहली बार आपने चैनल पर विजिट किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहले आपको प्राप्त हो जाए। तो चलिए फिर आगे फिर मिलते हैं, धन्यवाद।